फ्रेंड, मेरा नाम है एमजे फिटनेस फिटनेस कुमार। तो आज हम टेक्सास प्रो 2022 का बॉडी बिल्डिंग ओपन कंपटीशन का रिव्यू देने वाले हैं। तो फ्रेंड, ऐसा है, इसमें जो बॉडी बिल्डर हैं, जो पांचों फाइनलिस्ट हैं, तो उनका कंपैरिजन किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखिए, आप बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग में जो दे रखा हमने लाइनअप में खड़ा कर रखा है सारे बॉडी बिल्डरों को, तो हमारे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का फाइनल्स हैं, तो हमारे एंड्रू जैक्स जो इस बॉडी बिल्डिंग के हाइप बने पड़े हैं, इन्हें चेंज करा जा रहा है बार बार, और स्टीव पुफलो को इनके बराबर में लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं एंड्रू जैक्स सबको एक तरफा ही बीट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कहीं से कहीं तक इनके आसपास नहीं है, इनको ऑब्लिक एरिया और मिडिल एरिया और पर ट्रैप्स, शोल्डर्स, लेग्स, और आप देख सकते हैं सब में बीट कर रहे हैं, सबको एक तरफा बीट कर दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इनका फ्रंट बाइसेप्स पोज है, और इसमें तो बिल्कुल एंड कर दिया सबको, एक तरफा ही बीट कर दिया इन्होंने। लेग इनके इतने अलग ही, सबसे बॉडी बिल्डरों के सबसे अलग ही दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इनका ऑब्लिक्स एरिया, एब्स एरिया दोनों ही, और ये आप देख सकते हैं इनका फ्रंट बाइसेप्स यूज, इनका पहला ही प्रो कंपटीशन डेब्यू है, और स्टार्टिंग में इन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, और बाकी बॉडी बिल्डर सिर्फ देखने के ही लायक रह चुके हैं। और इनकी बैक तो बेस्ट एकदम आ रही है, एकदम इतनी डिटेल्स आ रहे हैं ट्रैप्स में, और इनके ग्लूट्स, हैंड स्विंग, और इसकी बातें आप देख सकते हैं, एक तरफा बीट कर दे रहे हैं बॉडी बिल्डरों को। इसमें पांचों बॉडी बिल्डरों को दिखाया जा रहा है, और ये छठा बॉडी बिल्डर, इनका नाम नहीं पता मुझे, अभी मैं पांचों का नाम लूँगा जो अपना इनका आया है प्लेसिंग, इन सबको बताऊंगा क्या क्या प्लेसिंग आई है इन सबकी। और एंड्रू जैक्स तो आप देख ही सकते हैं कि किस पोजीशन पर होंगे, बैक देखिए इनकी बैक एकदम डिफेंट, एकदम बीट कर दे रहा सबको एक तरफा, और ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, हाइट सब देख सकते हैं आप। ब्लैक बैक लैट स्ट्रेस करते हैं इनका, और ये साइड चेस्ट्स, नहीं साइड ट्राइसेप्स सॉरी, और ये आप देख सकते हैं, और फ्रंट से तो कोई जीत ही नहीं सकता इनसे। ये देखो इनके ऑब्लिक्स और एब्स, फ्रंट एरिया तो इनको कोई, और ये मैं कह रहा हूँ एंड्रू जैक्स अपने स्टार्टिंग कंपटीशन से ही अच्छा करते आ रहे हैं, इनके आगे आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे कंपटीशन खेलते रहेंगे, और ये इस कंपटीशन के विनर भी हैं, फर्स्ट ओवरऑल आए हैं सारे, सबको बीट करते हुए। सबसे बुरी बात तो ये है कमाल एलकारनी के लिए, जो इन्होंने टेम्पो प्रो में सेकंड आए थे, इसमें सीधे सीधे फोर्थ आ गए हैं। पता नहीं क्या इन्हें समझ में नहीं आया इनकी बॉडी में क्या दिक्कत आ गई थी जो फोर्थ आ चुके हैं। और जो हमारे स्टीव पुफलो हैं, यहाँ पर सीधे सीधे थर्ड आए हैं, स्टीव पुफलो
थर्ड आए। मुझे तो इनकी शुरू से बॉडी ज़्यादा खास नहीं लगी, मगर कभी कभी कर देते हैं ऐसे कमाल, कभी समझ में नहीं आता, कभी एकदम शार्पली आता है बॉडी, कभी कभी बिल्कुल सॉफ्ट आ जाते हैं। और जो इसमें फोर्थ आए हैं कमाल अरगार नहीं है, आप समझ गए, स्टीव फुफलो थर्ड आए हैं। और जो सेकंड आए हैं आपके मार्टिन आए हैं, मार्टिन आप देख सकते हैं जो इनके स्टीव फुफलो के बराबर में ही है राइट हैंड पे। और आपके जो फर्स्ट हैं वो तो आप सबको दिख ही रहे हैं, जो सबको बीट एक तरफा ही करते आ रहे हैं। सेकंड आपके मार्टिन, मार्टिन ने तो मैं सच बता रहा हूँ अपना प्रो डेब्यू करते ही सेकंड आना बहुत बड़ी बात है। ऐसी प्रो डेब्यू करते ही अपना एंड्रू जैक्स इन्होंने भी कमाल कर दिया गया, मैं कह रहा हूँ आस पास भी नहीं है कोई इनके। अगर ऐसे ही मिस्टर ओलंपिया में भी दिखा दिया इन्होंने, अच्छी प्लेसिंग लेके आ जाएंगे अपना। और जो फिफ्थ हैं आपको मैं बता दूं, ये हैं आपके कॉन्टेनेरिया। कॉन्टेनेरिया इनका मुझे समझ में नहीं आया फिफ्थ कैसे, इनका इनकी हाइट का सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हाइट इतनी, इनकी हाइट की वजह से इनका फिफ्थ पोजीशन आया। और एंड्रू जैक्स के पोजिंग देखिए आप, बैक तो मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट थी इनकी सारे बॉडी बिल्डरों में। और लैग तो देखिए आप, लैग देखिए आप किसकी, बहुत बढ़िया। ये लैग में एकदम डेथ आ रही, एकदम इसमें साइड ट्रैप्स पोज, लैग इनके एकदम डिफरेंट नज़र आ रहा है। इन्होंने एक तरफा बीट कर दिया सबको, मैं कह रहा हूँ यही फिजिक अगर ओलंपिया में लिया है ना तो मैं अच्छी प्लेसिंग आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट तो नहीं कह सकता, फोर्थ या फिफ्थ।